बस थोड़ी देर में फैसला आने वाला है कि आखिर किसकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि मामला सुनने लायक ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में 11वें मामले पर फैसला आने वाला है, क्योंकि मामले पर जिला कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, क्योंकि सुनवाई कल पूरी हो चुकी थी और सुनवाई से पहले कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है। कल कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिलहाल अभी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है, लेकिन इस वक्त की जानकारी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह से खास बातचीत की गई है वाराणसी के अंदर कुणाल गोस्वामी की तरफ से, क्योंकि हमारे संवाददाता वहीं पर है, क्या कुछ कहा गया। सुनवाई का दूसरा दिन है और आज ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो तमाम तरह से जो दोनों पक्षों की तरफ से याचिकाएं सामने आई हैं उस पर किसको पहले मौका दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए इस पूरे मामले में कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह जी हैं। सर, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल हमने देखा था कि दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी और जो जिला जज है उन्होंने अपना फैसला जो आदेश था वो सुरक्षित रख लिया था। आज क्या कुछ उम्मीद करें इस 2 बजे की कार्रवाई? कल जो है प्रतिवादी पक्ष ने अपना बहस किया कि 1991 वाला जो वो है एक्ट जो है वर्शिप एक्ट है उस पर कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है, कल उन्होंने बहस किया उस पर। तो उस पर माननीय जिला जज ने ऑर्डर जो है सुरक्षित रख लिया है। आज उस पर वो 2 बजे के बाद जो है अपना फैसला सुनाएंगे कि उस पर क्या आदेश सोचता है, ये आने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए मुस्लिम पक्ष की तो उन्होंने 1991 जो वॉरशिप एक्ट है उसको चैलेंज किया है कि इसके तहत सुनवाई होनी चाहिए या नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया कि वो कमीशन जो है किसी चीज़ का भी कमीशन हो सकता है, उसमें कोई उस एक्ट से बाधित नहीं है, इसलिए वो तो ग्रीन सिग्नल है ही उस पर। अच्छा, कल हमने देखा था कि जब हिंदू पक्ष की तरफ से ये बात रखी गई थी कि भाई जो तमाम जो सर्वे के तहत जो 12 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई है उसकी एक प्रतिलिपि हमको सौंप दी जाए ताकि हम अपना पक्ष और मजबूत कर पाएं, जिसमें वीडियोग्राफी है, उसमें फोटोग्राफी है, तमाम तरह की जो चीज़ें हैं उनका अवलोकन है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर तो वो जो उन्होंने मांगा है वो तो लीगल है, उनको भी देखने का राइट है, वादी पक्ष को प्रतिवादी पक्ष को, ये तो माननीय न्यायालय के ऊपर है, माननीय न्यायालय उनको अलाउ करेगी तो उनको भी मिल जाएगा उसकी कॉपी। हमने देखा था कि जो विश्वनाथ का जो पूरा प्रांगण है उनके जो महंत हैं कुलपति तिवारी जी, उन्होंने एक याचिका रखी थी, उन्होंने एक पत्र यहाँ सबमिट किया था कि भाई वो पूरा इलाका उनके अंडर में आता है, लिहाजा हमको अनुमति मिल जाए कि जो मस्जिद के वजूखाने के अंदर जो शिवलिंग नुमा आकृति मिली है वहाँ की हम पूजा कर पाएँ, भोग लगा पाएँ, फूल अर्पित कर पाएँ, उसको लेकर क्या कुछ चल रहा है? उसके आधार में हमने सुना है कि उन्होंने भी प्लेंटिव दाखिल किया है कल का, लेकिन उस पर आर्गूमेंट हो पाया कि नहीं हो पाया ये जानकारी मुझको नहीं है। अगर आर्गूमेंट हुआ होगा तो कोई न कोई माननीय न्यायालय का आदेश उस पर आएगा ही। अच्छा, अंतिम अहम सवाल, 31 तक का ही समय है, उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो जाएगा, कितना प्रेशर होगा जिला जज पर कि इस मामले को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 8 हफ्तों की ड्यूरेशन की लिमिट दे चुका है? ये तो माननीय जिला जज के ऊपर है कि अभी जितना समय है उतने दिन तक वो सुनवाई कर ही सकती है, उसके बाद जब ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाएगा उसके बाद फिर जुलाई में डेट पड़ेगी उस पर, फिर उस पर जुलाई पे सुनवाई होगी। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ही इस पर फैसला कर दिया जाए। ठीक है, ओपन हुआ है, मैटर चल रहा है, इस पर चलेगा धीरे धीरे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कोर्ट के जो कमिश्नर हैं, कोर्ट कमिश्नर अजय सिंह जी, उनका स्पष्ट कहना था कि मामले पर सुनवाई तमाम चीज़ों के आधार पर की जा रही है, आगे भी की जाती रहेगी। 2 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि किस पक्ष को पहले मौका दिया जाए, साथ इस बात को भी देखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि इस पक्ष पर सबसे पहले चर्चा हो जाए कि इस मामले में वॉरशिप एक्ट 1991 लागू होता है या नहीं है, इसको सेल्फ इंडिपेंडेंट केस के तौर पर देखा जाए, जिस बात की जो दलील है लगातार विष्णु जैन जो मुख्य अधिवक्ता हैं वो कहते रहे हैं। कैमरा पर्सन बलदेव के साथ मैं कुणाल गोस्वामी, जेके मीडिया, वाराणसी, यूपी।